बिग बॉस के घर से बाहर निकलने के बाद कई कंटेस्टेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। जहां रुबीना दिलेक के पास कई शोज़ की लाइन लगी है, वहीं अर्शी खान भी पीछे नहीं। उनको भी इंडस्ट्री में ढेरों काम मिल रहा है। और इसी काम के सिलसिले में क्या अर्शी खान दिल्ली पहुंची हैं? क्या है पूरी खबर, हम आपको टीवी धमाका पर बताने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी जानते हैं कि अर्शी खान का स्वयंवर होने वाला है। जी हाँ, और ये बात जो है कलर्स के यानी कि मेकर्स के सोर्सेज से पहले ही आ चुकी है कि अर्शी खान का स्वयंवर जो है वो अब कलर्स पर दिखाया जाएगा। जैसे ही नागिन ऑफ एयर होगा, यानी कि 21 मार्च के बाद जो है अर्शी के स्वयंवर की तैयारियाँ जो है मेकर्स ने शुरू कर ली थी। लेकिन अचानक कोरोना बढ़ जाने की वजह से वो शो थोड़ा होल्ड पर भले ही चला गया हो, लेकिन अब अर्शी खान अपने दूल्हे सेलेक्ट करने के लिए दिल्ली जा पहुंची हैं और इसी के सिलसिले में वो इन दिनों दिल्ली भी हैं। उन्होंने खुद अपनी इंस्टा स्टोरी पर ओलंपिक्स ये शब्द शेयर किया था। हालांकि कई लोग इस बात की अटकलें लगा रहे हैं कि इस बात का मतलब क्या है, अर्शी ने ये क्यों शेयर किया। तो हम आपको बता दें कि अर्शी खान जो है अपने आने वाले प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली पहुंची हैं और जल्द ही अपने स्वयंवर को करती हुई नज़र आएंगी। तो ये शो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जो लोग अर्शी की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। क्या आप अर्शी का स्वयंवर देखना चाहते हैं? कमेंट ज़रूर कीजिएगा।